आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएए सहित कई मुद्दों को लेकर हुई विपक्ष की बैठक, सपा बसपा डीएमके और टीएमसी ने बनाई दूरी, सोनिया बोली समाज को बांट रही सरकार। वीसी के आश्वासन के बाद भी नहीं माने जेएमयू के स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस पर एफआईआर तक, परीक्षा में भाग नहीं लेने पर अड़े। राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों की शुरू, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम किया जारी। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लोहड़ी का त्योहार, लोगों ने तिल पपड़ी, लड्डू बांटे, एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक हुई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में बुलाई गई इस बैठक में एक दर्जन से अधिक विपक्षी दल शामिल हुए, लेकिन कुछ बड़े दल शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना को इस बैठक के लिए न्योता नहीं दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा, नागरिकता संशोधन एक्ट पर विरोध और देश के मौजूदा हालात पर कांग्रेस ने विपक्ष की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत कुल 4 दल शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि सीपीएम, सीपीआई, राजद समेत पार्टियां बैठक में शामिल हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे। झारखंड में सरकार गठन के बाद राहुल गांधी पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आए हैं। जेएमआई यूनिवर्सिटी के छात्र दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर अड़े हुए हैं। एफआईआर दर्ज किए जाने तक परीक्षा में शामिल नहीं होने की जिद पर अड़ गए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर के आश्वासनों को दरकिनार करते हुए आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। वीसी ने मांग कर रहे छात्रों के बीच आकर कहा कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया मंगलवार से ही शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एफआईआर नहीं की जा रही है, इसलिए गारंटी नहीं दी जा सकती है कि उनकी प्रक्रिया पर पुलिस क्या एक्शन लेगी। छात्रों का आक्रोश कम नहीं होता देख वीसी ने कहा कि परीक्षा की तारीखें नए सिरे से शेड्यूल की जाएंगी। वीसी के इस बयान पर उन्हें घेरे स्टूडेंट्स हंगामा करने लगे और प्राथमिकी दर्ज नहीं होने तक परीक्षा में भाग नहीं लेने का ऐलान कर दिया। सीएए और एनआरसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने दो टुक कहा कि सीएए पर बहस होनी चाहिए और अगर सभी पक्ष सहमत होते हैं तो फिर इस पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार ने साफ किया कि बिहार में एनआरसी लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दावा किया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। नीतीश ने कहा कि एनआरसी का मुद्दा सिर्फ असम के परिप्रेक्ष्य में है और इसे पीएम मोदी भी स्पष्ट कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा आप में शामिल हो गए। उनके साथ कई अन्य नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसमें राम सिंह नेताजी जैसे नाम शामिल है। महाबल मिश्रा कांग्रेस के बड़े नेता है। वह राजधानी की वेस्ट दिल्ली सीट से सांसद रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को मंजूरी दे दी है। लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर में अब पुलिस कमिश्नर होंगे। सुजीत पांडे लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर तो गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह होंगे। वहीं महिलाओं की सुरक्षा व उनसे जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए दोनों जगह पर महिला एसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी तैनात होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले 50 सालों से पुलिस आयुक्त प्रणाली की मांग उठ रही थी। यूपी के रामपुर में नए कप्तान संतोष कुमार मिश्रा ने कमान संभाल ली है। संतोष कुमार मिश्रा ने रामपुर में ज्वाइनिंग करने के बाद क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। वहीं रामपुर के कई थानों में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के दस्तावेजों को खंगाला, उसके साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं महिलाओं के साथ बढ़ते क्राइम पर विशेष तौर पर जोर देते हुए उन्होंने जनता को इस विषय में जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास रहे, इसके लिए एंटी रोमियो और पुलिस टीम लगातार गश्त करती रहेगी और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगी। देखिए जितने भी हमारे लोग थे यहाँ पे, चाहे सराफा व्यवसायी थे, सीसीटीवी कैमरे के लिए उनको बताया गया कि किस तरीके से कैमरे रोड पे फोकस किए जाने चाहिए और कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध अगर दुकान के बाहर आके हरकत करता है तो बिल्कुल सख्ती से उसको डांटना है। कोई अगर बिना काम के व्यक्ति घूम रहा है जो कि नकबजनी कर सकता है, चोरी करना कर सकता है, तो उन पे काम करने के लिए हमारे सीसीटीवी कैमरा मदद करेंगे और साथ ही साथ पुलिस को भी जानकारी देना है।
उसी तरीके से ट्रैफिक के बारे में भी निर्देश दिए गए कि कोई लोग अगर अतिक्रमण हटाते हैं, जैसे आपने देखा कई गाड़ियां जो पैदल चलने की जगह है वहां पे कुछ लोगों ने खड़ी कर रखी थी, उनको भी वहां से हटवाया गया और आगे भी हिदायत दी गई है कि उस पर भी कार्य करना है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया महिला सुरक्षा के लिए भी हमारी जो चेयरमैन साहिबा हैं वो खुद महिला हैं, उनसे डिटेल डिस्कशन इस विषय पे हुए हैं और जो हमारे समाज के लोग हैं उन्होंने भी कमिटमेंट दी है कि बिल्कुल यहाँ पे महिला सुरक्षा के बारे में सभी लोग यहाँ पे कटिबद्ध है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 6 नवगठित नगर निगमों में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इनमें नगर निगम जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण शामिल है। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 16 मार्च को किया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त PS मेहरा ने बताया कि इन सभी नगर निगमों में निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 15 फरवरी को किया जाएगा। दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी निर्धारित की गई है। 16 और 23 फरवरी को विशेष अभियान की तिथियों में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। प्रदेश सहित देश भर में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नई फसल और बसंत के आगमन की खुशी में अग्नि प्रज्वलित कर उसकी परिक्रमा की गई। लोहड़ी की अग्नि में मूंगफली, रेवड़ी, गजक का प्रसाद लगा। नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशु वाले घरों में उत्सव मना। शहर के घरों और चौराहों पर DJ पर पंजाबी भंगड़ा और गिद्दे की धुनों के साथ नाचते गाते हुए लोगों ने लोहड़ी की अग्नि में समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। प्रदेश में सोमवार को ठंड में बारिश का तड़का लग गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत आधा दर्जन से अधिक पश्चिमी जिलों में हुई बारिश और कई स्थानों पर ओलावृष्टि से सर्दी बढ़ गई है। तेज ठंडी हवाओं ने जहां ठिठुरन बढ़ा दी है, वहीं इस बारिश से फसलों को होने वाले फायदे के चलते किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। राजधानी के कई इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, दिन भर बादल छाए रहे और सर्दी बढ़ गई है। ठंडी हवाओं ने तापमान गिरा दिया है। जोधपुर के बिराई में हुई बेमौसम बारिश ने ग्रामीणों को रजाई में दुबकने को मजबूर कर दिया। क्षेत्र में हुई बरसात से सर्दी ज्यादा बढ़ गई। लोगों को सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि किसानों ने बताया है कि इस बारिश से गेहूं, रायडा, जीरा, मिर्ची में फायदा ही होगा। दीपिका पादुकोण के JNU में आक्रोशित छात्रों का समर्थन करने से विवाद बढ़ गया है। विज्ञापनों में सबसे ज्यादा भुगतान लेने वाली अभिनेत्री के इस कदम से कई कंपनियां डर गई है। ऐसे में इन कंपनियों ने दीपिका की भूमिका वाले विज्ञापनों को दिखाना कम कर दिया है। दीपिका पादुकोण के इस कदम के बाद अब कंपनियां अपने ब्रांड को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। सामान्य तौर पर ब्रांड्स पर सुरक्षित दाव चलते हैं। दीपिका फिलहाल 23 कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल।